वेलकम एंड जय हिंद एमएनएस एस्पिरेंट्स। आई होप कि अभी तक आप सभी ने हमारी जो फर्स्ट पार्ट का वीडियो था वो देख लिया होगा और समझ लिया होगा कि किस तरह से आपकी 15 OLQs में फैक्टर 1 के अंडर आने वाले सभी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप ज्वाइन करने जा रहे हैं एज एन ऑफिसर इन द इंडियन आर्म फोर्सेस। सो एस्पिरेंट्स, आज सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ फैक्टर 2 के बारे में। यस एस्पिरेंट्स, फैक्टर 2 में आपकी सोशल एडजस्टमेंट को देखा जाता है। एस्पिरेंट्स, आप सभी जानते हैं कि इंडियन आर्मी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर आपका सोशल एडजस्टमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज यहां पर आप एज अ टीम ज्यादा वर्क में रहते हैं। आप ज्यादातर ग्रुप्स में ही एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, मिशंस परफॉर्म करते हैं, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए एक ऑफिसर के अंदर टीम लीड करने की क्षमता होनी चाहिए। और साथ ही साथ सोशल एडजस्टमेंट एक ऐसा फैक्टर है जो आपको हर किसी जगह पर हर सिचुएशन में अडेप्ट करने में भी हेल्प करता है, और साथ ही एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करने में भी हेल्प करता है, जो बहुत क्रूशियल हो जाता है जब हमें 100-150 लोगों की टीम को लीड कर रहे होते हैं। तो एस्पिरेंट्स, फैक्टर 2 के अंदर आने वाली उन ऑफिसर लाइक क्वालिटीज के बारे में अब आपको बताते हैं। सबसे पहले आती है सोशल अडैप्टेबिलिटी, जहां पर आपकी सोशल इंटेलिजेंस, एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर्स, टैक्टफुलनेस एंड अडैप्टेबिलिटी को चेक किया जाता है। साथ ही साथ आपके अंदर कोऑपरेशन होना चाहिए, जिसमें टीम स्पिरिट बहुत इम्पोर्टेंट होती है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, विच कम्प्राइजेज अ सेंस ऑफ ड्यूटी एंड सेंस ऑफ डिसिप्लिन। सो एस्पिरेंट्स, अब आप समझ गए होंगे कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके फैक्टर 2 में रखी गई हैं। जिस तरह से आप हर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को अपने अंदर इनकलगेट करते हैं कि आपको एक बेहतरीन ऑफिसर बनने में वो सारी क्वालिटीज हेल्प करती हैं, आपको एक बेहतर टीम लीडर साबित करने में ये सारी क्वालिटीज हेल्प करती है, तो एस्पिरेंट्स आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप भी इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे इंडिविजुअल टास्क नहीं होते हैं, वहाँ पे ग्रुप परफॉर्मेंस होती है, तो ग्रुप परफॉर्मेंस के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, और कोऑर्डिनेशन के लिए आपके अंदर सोशल एडजस्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। तो एस्पिरेंट आपको ध्यान रखना है कि आप अगर इंट्रोवर्ट हैं भी, तो अब वो टाइम आ गया है कि आपको एक्सट्रोवर्ट होना शुरू करना है, सोशल एडजस्टमेंट को बढ़ाना शुरू करना, और ज्यादा सोशल होइए, अपनी सोसाइटी में, अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में ज्यादा टाइम स्पेंड करिए, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रखिए, घर में मम्मी पापा जो आपको वर्क लॉट कर रहे हैं, आप खुद से इनिशिएटिव लीजिए कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सच थिंग्स, कि मुझे ये करना ही करना है, अपार्ट फ्रॉम माई एकेडमिक्स, अपार्ट फ्रॉम माई स्पोर्ट्स एंड अपार्ट फ्रॉम माई प्रिपरेशन। तो आपको रिस्पॉन्सिबल भी बनना है, कोऑपरेटिव भी होना है, साथ ही साथ सोशल भी रहना है, और एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसे आप लीव आउट कभी नहीं कर सकते अपनी लाइफ से। डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना ही एक वर्थ लाइफ है, तो हर चीज का डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। इसलिए एस्पिरेंट्स, आप ध्यान रखें कि फैक्टर 2 की वो OLQs थी जो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, स्पेशली जब आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अच्छे से प्रिपरेशन करिए अपनी। और एस्पिरेंट्स, अगर आप चाहते हैं एक अच्छी गाइडेंस लेना, तो आप सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे CBT बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको ऐसी ही स्पेशलाइज्ड गाइडेंस दी जाएगी, इस तरह की और भी बातें बताई जाएंगी जो आपके पैनल इंटरव्यू में आपको हेल्प करेंगी। तो आज ही एनरोल करिए, अपनी सीट्स बुक करिए, और करिए बेहतरीन तैयारी अपने सपने को पूरा करने के लिए। जय हिंद।